और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से केंद्र बनाम आप सरकार देखने को मिल रहा है। दिल्ली नगर निगम को लेकर आप पार्टी ने बड़ा दावा ठोका है। नगर निगम में 6000 करोड़ के घपले का आरोप लगाया है आप पार्टी ने। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है एक बार फिर से आप सरकार बनाम केंद्र सरकार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आप पार्टी के और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़े दावे ठोके हैं नगर निगम पर। दिल्ली नगर निगम पर ये दावा ठोका गया। आपको बता दें कि मेगा स्कैम टोल टैक्स में बड़े घोटाले की बात की है मनीष सिसोदिया ने। आप पार्टी ने सीधे तौर पर 6000 करोड़ के घपले का आरोप लगाया है नगर निगम पर, दिल्ली नगर निगम पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बड़े एलिगेशन हैं जो आप सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं एमसीडी पर। हमारे सहयोगी पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा अपडेट लेकर। पुलकित, बड़े आरोप हैं जो आप सरकार कर रही है, दावा कर रही है। देखिए, अगर हम इन आरोपों को समझे तो मनीष सिसोदिया का लेटर दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली की एमसीडी में 6000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और उन्होंने अपने लेटर में ये भी समझाया है कि ये घोटाला असल में हुआ कैसे है। साल 2017 में कंपनी को दिल्ली के अंदर कमर्शियल वाहनों से वसूली के लिए टेंडर दिया गया, जिसकी कॉस्ट थी करीब 1200 करोड़ रुपए। इस कंपनी ने पहले साल यानी कि साल 2017 से 18 तक ये पैसे दिए, लेकिन 2018 के बाद से अब तक यानी कि इन 4 सालों में पैसा जितना देना चाहिए था नहीं दिए। सिर्फ 20-30% ही रकम टेंडर की दी, यानी कि 1200 करोड़ रुपए जो देने चाहिए थे वो नहीं दिए। उसके बाद 2021 के बाद में इस कंपनी को दोबारा से जब यहां टेंडर इशू किया, तो इसी कंपनी के जो ऑनर थे उनकी दूसरी कंपनी को लगभग आधी कीमत में टेंडर दे दिया गया। अब मनीष सिसोदिया ये सवाल उठा रहे हैं कि जब दिल्ली में आने वाले वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपने 786 करोड़ रुपए में ये टेंडर कैसे दे दिया, जब पहले 2017 में यही टेंडर 1200 करोड़ रुपए में दिया था। तो यानी कि दो गंभीर आरोप है। पहला ये कि टेंडर की जो राशि थी जो उस कॉन्ट्रैक्टर को जमा करनी थी, वो उसने 4 सालों के दौरान पूरी तरीके से नहीं की, यानी कि 20-30% जमा की, तो इतना सारा पैसा वो कहां गया। उसके बाद में जब आपने दोबारा से टेंडर इशू किया तो कम कीमत में क्यों कर दिया, लगभग अगर हम देखें तो करीब 40% कम कीमत में टेंडर इशू हुआ। तो ये दो बड़े आरोप मनीष सिसोदिया के लेटर से निकलते हैं। और इसकी अमाउंट जो मनीष सिसोदिया ने जोड़कर लगाया है वो ये कि इससे करीब 6000 करोड़ रुपए का नुकसान एमसीडी को अभी तक हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। जी जी पुलकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।